73वां गणतंत्र दिवस पर्व रीवा में बुधवार को उत्साह के साथ मनाएगा। कोरोना संक्रमण के चलते सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो सके। सर्वप्रथम कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर डॉक्टर इलैया जट्टी द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। इस दौरान कलेक्टर ने रीवा के नागरिकों को शुभकामनाएं दी एवं कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। वहीं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में नवनीत भसीन द्वारा ध्वजारोहण किया गया एवं सलामी ली गई। इस अवसर पर एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे तथा रीवा SP द्वारा DIG कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया। वहीं नगर निगम कार्यालय परिसर में निगम आयुक्त मृणाल मीणा द्वारा ध्वज वंदना की गई। इस अवसर पर नगर निगम अधिकारी शैलेन शुक्ला, SK चतुर्वेदी सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं सफाई कर्मी उपस्थित रहे। वहीं संभाग आयुक्त कार्यालय में आयुक्त अनिल सुचारी द्वारा ध्वजारोहण किया गया एवं संभागवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भेंट की गई। वहीं माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय में डिस्ट्रिक्ट जज रूपेश चंद वासरडे द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान न्यायालय परिसर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विपिन कुमार लवानिया, सुधीर सिंह राठौर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष तामकार सहित अन्य न्यायाधीश, अधिवक्तागण एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।